मेरी तो खैर यही कहानी आ गई अभी ड्रॉप शिपिंग मेकअप का भी यही बिल्कुल यही। मैं अब ये देख रही हूँ कि खड्डा मार्केट जाओ अच्छी शॉप पे तो वो आपको बताते हैं जी ये जो सेक्शन है ये दो नंबर चीज़ों का है और यहाँ मैडम ओरिजिनल है। मैं कहा शाबाश तुम तो ना बोर्ड लगा लो कि हमारे पास नकली असली दोनों चीजें मुझे बता रहे थे क्योंकि मुझे पता है बाकियों के साथ तो नहीं भी बताते होंगे लेकिन मुझे तो उसने बताया मैडम इस तरफ ये वाली सेक्शन है इधर ये नकली इधर असली। मैं कहा शाबाश दोबारा होर्डिंग लगा दे मेरा बच्चा। अच्छा मुझे लेकिन ओपनली क्योंकि कोई पकड़ नहीं रहा भाई। आपको पता है थोक के हिसाब से बिकते हैं यहाँ से कंटेनर्स जो बाहर से आते हैं और यहाँ होलसेल मार्केट में आप जाएं तो वो आपको वजन के हिसाब से वीडियोस ही देखी बेस बन रही है किस तरह उसको इंजेक्शन के थ्रू डाला तो भाई बाहर से रहा है देखा नहीं गंदे। और बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियों की दिखा रहे हो तो पता नहीं वो इंडिया की फैक्ट्री थी मैं देख रही थी इस तरह फेस पाउडर बन रहा है इस तरह बेस बन रही है गंदी गंदी जगहों पे गंदी गंदी खोके फैक्ट्रियां लगाई हुई है खाने पीने की चीजें मसाले दाल वगैरह यहाँ पर इंटरनेशनल ब्रांड की चीजें ना ले अगर बजट कम है तो जो पाकिस्तान में ब्रांड्स बन रहे हैं बच्चियां या लोग या जो लेडीज लॉन्च कर रही है वो ज्यादा बेहतर है नबीला का हो जाए किसी का हो जाए एटलीस्ट वो एक्सपायर्ड नहीं होगा। मैं तो खा रही हूँ ना हाँ सुबह मीठा ना खाऊं चाय कॉफी ना पीऊं मेरी आंखें नहीं खुलती कैसे करूंगी। तो यहाँ माशाल्लाह निदा की टीम ना मेरे लिए डोनट और कॉफी मेरी डोनट और कॉफी चल रही है। और ये पता क्या करती थी हम इसके शो पे जाते थे ये इतने बड़े कप में ऑरेंज वाली ड्रिंक होती थी ना फ्रिजी ड्रिंक वो रखती थी उससे आंखें मुंह दिमाग सब खुल जाता था और वो भी इतना बड़ा मग होता था शुगर शुगर हाई। मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ कि वो पिया है मैंने शौक से उसके बाद जो मैं या वाह मुझे तब अंदाजा हुआ कि ओ अच्छा ये सस्ता नशा एकदम हाइपर हो जाए उसके बाद थोड़ी सी शुगर तो चाहिए जिंदगी में सुबह हाँ सुबह मैंने जिंदगी में कभी उससे पहले वो ड्रिंक सुबह नहीं सुबह कोल्ड ड्रिंक और चाय के मग में चाय के मग चेक करो तो बस मेकअप की वायरल बहन वापस आते हैं बात यही बात है बस यही बात है। कभी हुआ ऐसे कि कुछ फेक ले लिया और मतलब लाइंग मस्कारा या कोई ऐसी हो मेरी नेक्स्ट अगर आप स्लाइड जी दिखाएं जरा स्लाइड मेकअप इसका भी बड़ा फ्रॉड है हाय हाय। अच्छा ये बड़ी कॉपीज बनी है हाइलुरोनिक एसिड हाय हाय। मैंने क्योंकि जरूरत थी कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता ना आप एक चीज अगर लगाते हैं स्किन यूज्ड टू हुई दी है आपको तो मैंने फिर ढूंढा ऑनलाइन पेज कोई ऐसा देखभाल करके ऑब्वियसली मैं कोई रेफरेंस तो नहीं था लेकिन अपनी रिसर्च करने के बाद जितना मैं समझ सकती थी मैंने वो करके और फिर प्राइस वाइज भी कोई इतना कोई कम नहीं था कि जैसे कि अगर 4000 की चीज़ है तो मुझे वो 1500 रुपये में मिल रही है 4000 की चीज़ मुझे 4 में ही मिली तो इसलिए और मुझे लगा कि नहीं सही होगा वो मैंने ऑर्डर कर दिया और आ भी गया। एक तो मैंने जब खोला तो इसका डब्बा बहुत अजीब से कंडीशन में था पुराना लग रहा था टेढ़ा मेढ़ा था बट देन आई यू नो यू गिव बेनिफिट ऑफ द डाउट कि हो सकता है पोस्टेज में ख़राब हो गया हो या वाइट कलर का डब्बा है तो उनकी स्टॉकिंग में ख़राब हो गया जहाँ ये स्टॉक करते हैं। लेकिन जब मैंने यूज़ करना शुरू किया तो अंदर पानी था मतलब कुछ भी नहीं था क्योंकि मैं ओरिजिनल प्रोडक्ट यूज़ करती आ रही थी तो मुझे पता था कि वो जब आप लगाते हैं तो स्किन में कैसा फील होता है उसके बाद जब एब्जॉर्ब होता है तो कैसा तो लिटरली देयर वाज नथिंग इन देयर। उसने बाइक में ही बना लिया होगा डिलीवरी करते वक्त ना वहीं चलो अभी आओ डिलीवरी पे जा रहा हूँ वहीं बना। अच्छा मैंने भी हाइलुरोनिक एसिड ऐसे इसी तरह से रिसर्च करके ना यूट्यूब पे देख के ये वो एक ब्रांड का मंगवा तो लिया एंड रीजनेबल प्राइस थी बट वो मुझे सूट कर गया। आपको नहीं पता कि आप पानी लगा रही है या वो हाइलुरोनिक एसिड पानी नहीं था लेकिन उससे मुझे वाकई फर्क पूरा यूज ये मजे की बात है जो जैसे आपने अपना डाला है ना उसमें आप मेरे शो पे आते आपने अगर बता दिया आपकी बालों में ये लगाया या वो लगाया आई नो वो वाली ब्रांड एडिट उनके पास कोई कमाल एडिटर बैठा हुआ है वो वाली ब्रांड अपने तेल लगाती है फजूल के और उसके बाद मेरी अपनी सगी बहन ने खरीद लिया वो मैंने कहा जब मैंने लगाया फ्रॉड अपने उस पे स्टोरी पे फ्रॉड तो मेरी बहन ने कहा
निधा मैंने तो ये खरीद भी लिया 2000 रुपए का। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग सही है, ये मैंने कुछ भी नहीं इस तरह बोला ना मेरे मेहमानों ने बोला, वो तो टोटका बता रहे थे। इन्होंने इतना अच्छा एडिट किया, कोई एडिटर निकालो उनका, पकड़ो अपना ब्रांड लगा दिया चुप, उन्होंने अपना नाम लगाया हुआ। और जब भी फ्रॉड लिखती हूँ वो और मेरी क्लिप्स निकालते। अच्छा, लेकिन हर चीज फेक नहीं है, कभी कभार सही चीज भी आ जाती है, जैसे आई एम श्योर जो आप यूज कर रहे हो हाइलुरोनिक बिकॉज इट्स वर्किंग, हो सकता है जरूरी नहीं है कि हर ऑनलाइन चीज थी। तो मैंने ना उनकी दोबारा से जो लेटेस्ट रील थी वो देखी और उन्होंने ये लिखा हुआ था कि हमने अपनी पैकेजिंग चेंज की है, तो वो सही था। मैंने उनका सीरम भी यूज किया, सही होगा। मैंने भी मैट्रेस प्रोटेक्टर मंगवाया, उसके इतने प्यारे एड्स बन रहे थे ना, तो पहले एक लड़का आता था पता नहीं वो क्यों आ रहा क्या मंगवाया मैट्रेस प्रोटेक्टर। अच्छा, एक लिनन की कंपनी है जो बेड की चीजें बनाती है, उसमें बहुत कोई हैंडसम सा लड़का आता है ना, वो अपनी पता नहीं वो क्यों आके ना ऐसे खड़ा हो जाता तो आप उससे इंप्रेस हो गया, आपने ऑर्डर कर दिया। बच्चा बड़ा क्यूट है, मैंने कहा यार ये कितनी प्यारी मॉडलिंग कर रहा है ना, आके फिर ये आके मैं ऐसे बेड पे जिसपे जब आपका एक बच्चा हो और एक आपको खतरा हो कि बच्चे से हादसा हो सकता है, अभी उसने बॉटल ना छोड़ी हो, और कभी कभी खास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में जब वो लेट उठे तो आपको मैट्रेस के लिए एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है। साइड आप लोगों से जैसे फिटेड शीट्स होती है ना वैसे वो होता है, लेकिन उसमें जो होता है मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं होता, नीचे प्लास्टिक होगा। अक्सर आप देखेंगे माशाल्लाह अच्छा घर में छोटे बच्चे हैं उनके जो गद्दे हैं वो पीले हो चुके हैं, या कहीं चाय का निशान है या कहीं बच्चों ने कारनामा किया है, ये उसका भी एक्सीडेंट होते हैं, कॉफी गिर गई, चाय गिर गया, पानी गिर गया, तो वो सोक थ्रू नहीं होता, आपका मैट्रेस साफ रहता है। हमने तो बच्चे की वजह से लिया, लेकिन हम बच्चे को कहते नहीं नहीं तुमने नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं, तो हम मानते नहीं, इग्नोर कर देते हैं इस बात को। अच्छा, अब इसकी अच्छी क्वालिटीज आ गई है कि जिसमें बड़ा अच्छा प्लास्टिक और ऊपर टेरी क्लॉथ होगा, टॉवल टाइप मटेरियल या बड़ा अच्छा, ताकि उसमें पैडिंग भी होती है, तो कैसे ना खूबसूरत प्लास्टिक। अब वही मॉडल आ गया उसने बिना टॉपर की जो साथ जो जबरदस्त फोटो बनाई मॉडलिंग की पूरी ना, बहुत खूबसूरत एड्स उसके बने हुए हैं, कहाँ जाता है तो चीज़ कैसी हुआ क्या ले। हाँ, पहले तो मैं बिल्ड कर दूँ ना कि मैंने भरोसा क्यों किया उसके बाद मैंने ऑर्डर किया, मॉडल आ गया, मैं भी महीना हुआ होगा कल मैं उसकी बदल रही चादर, तफाक से खुद देखा नीचे फट 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 चेंज नहीं फट फट गया, फट गया पूरा, क्योंकि उसमें सिलाई भी हुई थी सॉफ्टनेस के लिए, उसमें वो पॉकेट्स बनी हुई थी, तो ऊपर से थोड़ा क्विल्टेड था भाई। मैं तस्वीर वो मेरी तस्वीर तुम्हें नहीं दी, वो फिर तस्वीरें दी, तो उसके बाद मैंने उनको मैसेज किया, तो यस मैम ये मैं दुबई के नंबर से मैसेज किया ना, तो फौरन जवाब आ गया। मैंने कहा ये क्या था, वीडियो दी, मैंने कहा ये देखो ये क्या है, मैडम वी विल रिप्लेस इट फॉर यू, लेकिन जवाब आया